अरे तो पूरे पैसे बर्बाद हो गए, अब मैं क्या करूँ इस 23,999 वाले फ़ोन का। ये गाइस, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में Realme 11 Pro Plus और साथ साथ 11 Pro Plus 5G के बारे में। इस फ़ोन को लेने के बाद यार मेरे को इतनी ज़्यादा भसड़ हो गई है और इतनी ज़्यादा यार मेरे को लग रहा है कि यार मैंने बहुत ही ज़्यादा कोई गलती कर दी इस फ़ोन को लेने के बाद। सबसे पहले बात करते हैं तो यार इसमें प्रॉब्लम मेरे को क्या देखने को मिलती है आप सबको बताता हूँ। और मैं गुस्सा इसलिए बहुत ही ज़्यादा हूँ इस फ़ोन से क्योंकि यार इसका जो पीछे जो लेदर जो है ना वो साइड से वो अभी जो है वो निकलना चालू हो चुका है, जबकि मैं इस फ़ोन को यूज़ करता हूँ एनी टाइम कवर में। और ये बात लागू होती है दोनों फ़ोन के लिए, Realme 11 Pro Plus के लिए भी और साथ साथ 11 Pro Plus 5G के लिए भी, क्योंकि आप सबको दोनों में ही आप सबको वीगन लेदर देखने को मिल जाता है। देखिए आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो लगता है थोड़ा सा जला टाइप का है और यहाँ पे साइड से जो है वो थोड़ा सा निकलना चालू हो गया है। ये तो मैंने थोड़ा देसी जुगाड़ लगाया है जिससे कि यार ये थोड़ा अभी तक टिका हुआ है, नहीं तो ये कब का निकल चुका होता। आप भी सोचो यार, अगर आप 23-24 हज़ार का फ़ोन ले रहे हो या फिर 25 हज़ार का फ़ोन ले रहे हो और आपका फ़ोन मतलब कि एक महीने भी ना हुए और पीछे से आपका लेदर जो है वो निकलने लगा है, यार क्या फ़ायदा है ऐसा फ़ोन लेने का। यार बहुत ही ज़्यादा मेरे को एम्बेरस फील होता है क्योंकि यार मैं ऐसा फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ यार लगभग कि नया फ़ोन होने के बाद भी यार पीछे से जो इसका वीगन लेदर है वो निकलना चालू हो चुका है या फिर थोड़े बहुत स्मजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जबकि होता है यार थोड़ा, अगर आप इस फ़ोन को बिना कवर के यूज़ कर रहे हो गाइस तो यार मत करो क्योंकि ये यार मेरा तो इतना जल्दी निकल गया कवर के बाद ही। अगर आप बिना कवर के यूज़ करोगे तो हो सकता है कि यार आपका जो पीछे का कवर है वीगन लेदर है बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाए और साथ साथ यहाँ पर थोड़े बहुत पेंसिल वेंसिल के नोखे लग जाते हैं या फिर बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और गंदा होने के बाद मतलब कि साफ भी बहुत ही जल्दी हो ही जाता है लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी लगता है पीछे। यार मैं बात कर रहा हूँ इस फ़ोन के बारे में पूरी बात। यार ये फ़ोन मतलब कि काफ़ी ठीक ठाक सा है मतलब कि, लेकिन एक ही मेरे को इसमें ख़राब बात क्या लगी, एक तो इसमें नया अपडेट जो आया है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बग्स देखने को मिले हैं। इस मतलब कि बग्स के बारे में कोई और वीडियो में आप सबको बता दूंगा कि यार क्या क्या बग्स आप सबको देखने को मिले हैं, उसके लिए मेरे को कमेंट करना या फिर आपके फ़ोन में जो भी इशूज़ आप सबको देखने को मिल रहा है उसके बारे में मेरे को कमेंट करना। और इसमें आप सबको देखने को मिलता था मीडिया टेक डायमंड सिटी 7050 जो कि काफ़ी ज़्यादा हीट करता है यार। जब भी आप पबजी या फिर BGMI खेलोगे यार, हैवी टास्क करोगे तो यार पीछे से थोड़ा जो बैक पैनल है वो जल्दी से जल्दी ही हीट हो जाता है, ठीक है, और नो डाउट काफ़ी जल्दी कूल भी डाउन हो जाता है और बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन करता है। नया अपडेट आने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरे को देखने को मिली इसमें क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा इशूज़ मेरे को यहाँ पर फेस करने को मिले, लेकिन इतने पैसे देने के बाद भी जस्टिफाई ये कहाँ करता है कि यार मेरा लेदर निकल रहा है पीछे से फ़ोन का। तो यार आप अब जब भी अपने फ़ोन को यूज़ करो तो थोड़ा सा केयरफुली सा यूज़ करो, ठीक है, यही एक बहुत ही ज़्यादा बेकार बात लगी इस फ़ोन के बारे में। अगर आप इस फ़ोन को बाई कर रहे हो तो यार आप भी कमेंट करके बताना कि यार आपके फ़ोन का जो लेदर का क्या हाल है, क्या वो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है।